वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज विच इज रेलेवेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस विच आर गोइंग टू गिव। और आज इसी के कारण हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जो अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यू नो दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी बिकॉज इन इंडिया इफ डेमोक्रेसी हैज टू सर्वाइव इलेक्शन कमीशन का फेयर, इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट ये होना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जो कि बहुत सालों से चल रहा था। उन सब चीजों को वी आर गोइंग टू एनालाइज इन दिस लेक्चर। व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन कमीशन, हाउ द इलेक्शन कमीशनर्स आर अपॉइंटेड, हाउ दे आर रिमूव्ड, व्हाट चेंजेस हैज बीन नाउ ब्रॉट by the judgment given by the Supreme Court, what are the problems with that judgment and what is the significance of that judgment. So every aspect we are going to discuss in this particular class. So let us begin. So if we discuss what we are going to discuss in the class, you can see this judgment which has been given by the Supreme Court, the Supreme Court verdict on the Election Commission of India's appointment. So this is a historical judgment which has been given by the Honorable Supreme Court of India. Before going into the judgment, let us try to cover the basics about the Election Commission of India. So you can see that the Election Commission of India is a constitutional body. What do you mean by constitutional body? A constitutional body is a body which has been created directly from the constitution, unlike the statutory bodies which are made under a parliamentary law. But a constitutional body is a body which is made directly under the enabling provisions of the constitution. Hence in Indian constitution also, Article 324 se leke Article 329 in the Part 15 of our Constitution, ye pura jo part hai aapka, ye Election Commission of India ke baare mein discuss karta hai. It is the guardian of free and fair election. You know that in India or in any democracy, free and fair election is the most important prerequisite for having a democratic setup. And you know, in Supreme Court, in the Kehudo Holland judgment, it argued that free and fair election is a basic structure of the constitution. It is the basic structure. Basic structure ka matlab, without this structure, the whole framework of the constitution will collapse. Jaise ghar ka aapka substructure hota hai, agar aap substructure nikal do, to superstructure kaise bachega? Nahi bachega. Waise hi, Supreme Court ne kaha hai ki free and fair election, jo ki sabse integral component hota hai democracy ka, उसके बिना डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती है। एंड विच एजेंसी इज देयर टू डू दिस जॉब, इट इज नन अनदर देन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट? देन आर्टिकल 324, सॉरी, सो आर्टिकल 324 बेसिकली इज अ लेंथी आर्टिकल, बट जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू रेलेवेंट है वो हमने यहां पर लिखा है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहली बात उसका काम क्या है? इलेक्शन कंडक्ट करना। किसका इलेक्शन कंडक्ट करना? तो चार चीजों का इलेक्शन कंडक्ट करने का ड्यूटी अंडर आर्टिकल 324 हैज बीन गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोज आर पार्लियामेंट का इलेक्शन, जितने भी एमपीज के इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलए, एमएलसी, उन सब का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन एंड द वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। सो ये चार ऑफिसेज हैं जिनके इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द ओनली बॉडी विच हैज द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस रिलेटेड टू दीज फोर बॉडीज। बट व्हाट अबाउट द लोकल बॉडीज? व्हाट अबाउट द पंचायतीज? व्हाट अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज? दैट इज डन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, दैट इज नॉट डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दैट इज द पॉइंट, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। देन द आर्टिकल ऑल्सो टॉक्स अबाउट व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन, उस इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे। सो सी, द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर्स ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा, उसके अलावा कितने अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। That means the composition has not been fixed. It is at the discretion of the president how much strength he wants to fix. Right? So, abhi hamara jo dekhenge, abhi jo composition hai, that is chief electional commissioner plus two election commissioners. Theek hai. Right? The second provision under this article is the appointment of the chief election commissioner
एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इस आर्टिकल के अंदर आपका यह चीज लिखा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन चीजों का इलेक्शन कंडक्ट करेगी, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट आर्टिकल 324। नाउ लेट अस सी द कॉम्पोजिशन। तो हमने देखा था कॉम्पोजिशन में वी हैव डिस्कस्ड कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा, बाकी कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये डिसाइड कौन करेगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो लेट अस सी किस तरीके से इवॉल्व किया है, राइट। सो 1950 से 1989 तक इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी, दैट मीन्स ओनली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज देयर, देयर वॉज नो इलेक्शन कमिश्नर्स। देन इन 1989 प्रेसिडेंट अपॉइंटेड टू मोर इलेक्शन कमिश्नर्स, नाउ इट वॉज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी, नाउ इट वॉज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होंगे ही होंगे, बाकी दो अलग से इलेक्शन कमिश्नर्स भी आपके होंगे। देन इन 1990 दिस सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड, नाउ इट वॉज अगेन मेड अ सिंगल मेंबर बॉडी, बट इन द ईयर 1993 अगेन एंड फ्रॉम देन टिल नाउ इट इज कंटिन्यूइंग एज अ मल्टी मेंबर बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। सो एज ऑफ नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is a multi-member body which consists of A, Chief Election Commissioner and B, two election commissioners. So total kitne ho gaye? Teen. Aur aapko agar bata du ki ye kis context mein aaya tha, why it was made a multi-member body, kya zarurat padi ki jab single member body tha to multi-member body banaya gaya. So year 1993 mein kyun kiya gaya? So let me tell you, this was not something which was a very noble thing or which was a very noble vision of the government. Rather, the government made this under the fear of none another than the most ever credible, independent, honest Chief Election Commissioner of India, T.N. Session Sir. He was a man, he was a complete statesman, he has a great vision, he was completely independent, he was not only telling but he was also able to bite the politicians who dare to commit any electoral malpractices. So, jab T.N. Session ko appoint kiya gaya chief election commissioner, to us samay ki jo government thi wo ghabra gayi. Isiliye unke powers ko cut karne ke liye do election commissioners ko aur le aaya gaya. Ab agar election commission ko koi decision lena hai to voting ke through lenge, kyunki teen log mein vote hoga. Pehle kya tha, that person was completely autonomous to do whatever he wants, but now this body was made a multi-member body, so now there are three persons. So because of T.N. Session, which was the chief election commissioner from 1990 to 1996, the then government was fearful, and hence this body from single-membered body, it was made a multi-membered body in order to clip the wings of the then chief election of commissioner, the T.N. Session Sir. Okay, then ab is judgment mein jo pura cheez aaya hai, this judgment is basically talking about the appointment. Although there are four parts of judgment jo hum log dekhenge, but ye judgment ka sabse important jo conclusion hai, that is the reform which has been brought to the appointment. To dekhte hain ab chief election commissioners ya election commissioners ka appointment hota kaise hai. So, अगर हम लोग आर्टिकल 324(2) पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो वहां पे लिखा है किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाएगा. सो द इलेक्शन कमीशन शैल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम फिक्स टू फिक्स, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट बी मेड बाय द प्रेसिडेंट. तो इस आर्टिकल में सिंपली क्या कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा जब तक पार्लियामेंट इस कॉन्टेक्स्ट में कोई लॉ नहीं लाती है तब तक. It is not universal. Our constitution makers did not wanted this thing to happen on a universal time scale. Our constitution makers initially decided that yes, let us give this power to the president until and unless the parliament comes with a new law. But abhi tak parliament ne koi law hi nahi laya hai. Isiliye abhi jitne bhi election commissioners hain,
उन सबका अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. एंड यू नो दैट इन इंडिया वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड एंड द रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. इसीलिए प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा? क्या प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिप्शन है? नहीं. President has to act as per the aid and advice given by the Council of Minister led by the Prime Minister. तो Council of Minister led by Prime Minister जो advice करेंगे, President उसको appoint कर देंगे. इसको simply कह दे तो Prime Minister जिसको recommend करेंगे उसको President appoint कर देंगे. तो कुछ मामला गड़बड़ नहीं लग रहा? Political head of the country or the Prime Minister is completely autonomous to appoint election commissioners, to appoint the election commissioners who has the important role of conducting free and fair election. Ho sakta hai wo kuch biasness kare, who knows, every person can do such thing, ho sakta hai. To isme ye problem hai kyunki ye kaha gaya tha ki parliament law laegi तब तक ही केवल प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं. लेकिन पार्लियामेंट ने कोई लॉ ही नहीं लाया. बिकॉज कौन गवर्नमेंट चाहेगा पार्लियामेंट के द्वारा लॉ? आज ये गवर्नमेंट है, दैट गवर्नमेंट विल आल्सो नॉट वांट. इसके बाद एक नई गवर्नमेंट आएगी, दैट गवर्नमेंट विल आल्सो नॉट वांट टू मेक अ लॉ. बिकॉज एवरी पर्सन डज और एवरी गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू लूज द स्पेशल पावर ऑफ अपॉइंटिंग द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ द कंट्री, द बेसिक फंडामेंटल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी. इसीलिए अभी तक इस पर कोई लॉ नहीं लाया गया था. राइट? सो व्हाट आर द चैलेंजेस विद द अपॉइंटमेंट? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द अपॉइंटमेंट? क्या प्रॉब्लम्स है इन अपॉइंटमेंट के साथ? नो लॉ हैज बीन मेड बाय द पार्लियामेंट. आर्टिकल 324 में था लॉ लाएगा, बट लॉ नहीं आया. सेकंड, देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस. इट्स कंप्लीटली ओपेक प्रोसेस. आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो. देयर इज नो क्वालिफिकेशन, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. And because of this, most of the times there has been accusations made by the political parties, opposition political parties, civil societies, global think tanks, that boss, your election commission is not working independently because the person who is heading that organization is appointed directly by the prime minister. And that's why you see there are controversies over the EVM, poll dates, election schedule, poor implementation of model code of conduct. तो model code of conduct में भी कभी कभार ये accusation लगाया गया कि जो election commissioners हैं वो bipartisan role नहीं कर रहे हैं. That person is acting in a biased manner. तो ये सब कुछ allegations थे और genuine है, लगाए जाएंगे because the process is completely opaque. Supreme Court also in this judgment noted that there's a huge surge in the role of money and criminalization of politics. You know that in 2019 एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह कहा गया था कि इस साल का जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन है उसमें लगभग 60,000 करोड़ मनी वॉज स्पेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन. सेकेंड, क्रिमिनलाइजेशन. यू नो दैट इन इंडिया अभी जो 90 जो अपनी लोकसभा है उसमें लगभग 46% ऑफ MPs आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस. सो दीज आर द सीरियस प्रॉब्लम्स एंड दैट्स व्हाई द इलेक्शन कमीशन एज अ इंस्टीट्यूशन वॉज स्क्रूटिनाइज्ड और वॉज बीइंग अक्यूज्ड. सो दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड नाउ दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म कि अगर आपका अपॉइंटमेंट ही ठीक नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकती है. यू कैन थिंक इन योर डेली लाइफ ऑल्सो हाउ अगर आपको कोई अपॉइंट करेगा तो कैसे उसके अगेंस्ट जा सकते हो. इट्स अ बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी. इसे को क्विड प्रो क्यो कहते हैं. क्विड प्रो क्यो का मतलब कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्प करूंगा देन यू विल बी ऑब्लाइज टू हेल्प मी इन सम वे और अदर. एंड दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट सेड वी विल सी दैट हाउ द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे गया? सबसे पहले 2015 में एक PIL फाइल किया जाता है बाय अनूप बरनवाल इन द सुप्रीम कोर्ट. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आप इसको ठीक करें, दिस इज अ मेस. बट सुप्रीम कोर्ट वॉज रिलेक्टेंट टू एंटर इन टू द लेजिस्लेटिव डोमेन बिकॉज आर्टिकल 324 में लिखा गया पार्लियामेंट को लॉ लाना है. इट इज नॉट द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डू दिस, इट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट टू डू दिस. लेट देम डू दैट. तो
इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़े से वेट एंड वॉच के मोड में आ गई, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट वॉन्टेड टू ब्रीच दैट लक्ष्मण रेखा. सुप्रीम कोर्ट वॉन्टेड कि बॉस आप ही इसके कुछ काम करें, वाई यूर आस्किंग मी टू इंटरव्यू. ठीक है, बट 2018 में अगेन एक PIL फाइल किया गया. Now the two judge Supreme Court bench referred the matter to a constitution bench. Constitution bench का मतलब 5-judge bench. तो अब इस matter को एक 5-judge constitution bench के पास भेजा गया, क्योंकि article 324 को detail में scrutinize करना था. तो इसीलिए generally कोई भी जब serious matter होता है, बहुत important matter, तो उसको 5-judge बेंच के ऊपर के किसी बेंच, 5-judge बेंच या 5-judge बेंच के ऊपर के किसी बेंच में इन मैटर्स को भेजा जाता है. सितंबर 2022 में क्या हुआ, 5-judge कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय जस्टिस KM जोसेफ बिगिन द हियरिंग. हियरिंग स्टार्ट हुआ और नवंबर में ही जजमेंट आ गया, बट इस जजमेंट को रिजर्व किया गया था नवंबर में. बट नवंबर में एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जो मे बी यू विल बी रिमेंबर, That एक बहुत कॉन्ट्रोवर्सी इरप्ट किया ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण गोयल एज इलेक्शन कमिश्नर एट अ लाइटनिंग स्पीड इन लेस देन 24 आवर्स. मतलब ये सब केसेस चल ही रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि गवर्नमेंट ने एक अरुण गोयल जो कि एक IAS ऑफिसर है उनको अपॉइंट कर दिया गया विद इन 24 आवर्स. अरे भाई 24 घंटे में कैसे आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको IB से पूछना पड़ता है कि क्या ये पर्सन के ऊपर किसी तरीके के पुराने एक्यूजेशंस हैं एंड अदर थिंग्स लाइक दैट. तो इतने जल्दी से एट सच अ स्पीड हाउ कैन यू एंश्योर दैट द प्रोसेस वाज ट्रांसपेरेंट, द प्रोसेस वाज डेलिबरेटिव. ठीक है, तो ये मामला आप थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, बिकॉज पहली तो गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं ला रही है, द पार्लियामेंट इज नॉट ब्रिंगिंग एनी लॉ, एंड सेकंड जब जस्टिस अरुण गोयल का जब अपॉइंटमेंट हुआ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ, तब लगा कि सुप्रीम कोर्ट को कि नाउ इट्स द टाइम दैट वी शुड एंश्योर दैट आवर बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि हमने देखा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर विच हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इज फुली एम्पावर्ड टू डू दैट. Right, so this was the Anup Barnwal versus Union of India. यही judgment आया, 5 judge है, headed by Justice KM Joseph. Part 1. अब इसके 4 parts में बात करेंगे इस judgment के बारे में. So पहला बात करते हैं part 1 about the appointment, जो सबसे important. तो इसपे simply कहा क्या गया है समझो? ये कहा गया कि appoint तो president ही करेंगे, वहां तो कोई change नहीं है. But president पहले किसके advice पे कर रहे थे? Prime Minister की. वही Council of Minister. But अब प्रेसिडेंट विल अपॉइंट नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रादर प्रेसिडेंट विल अपॉइंट ऑन द एडवाइस गिवन बाय अ कमिटी विच इज कॉम्प्राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन सो यू कैन सी दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट, दैट एक कमिटी के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा विच कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, द लीडर ऑफ अपोजिशन द लोकसभा नॉट राज्यसभा. ठीक है, एंड थर्ड इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ दिस प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, इट हैज बीन मेड डेलिबरेटिव, डिफरेंट व्यू पॉइंट विल बी देयर, एंड हेंस द इलेक्शन कमीशन विल वर्क इन अ मच मोर pragmatic and a much more durable basis. So, इसीलिए इस कमिटी को अब बनाया गया है. तो अब प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस गिवन बाय अ कमिटी विच कॉम्प्राइजेस ऑफ PM, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड थर्ड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. और एक और इसमें कहा गया कि अगर आपके पास कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, बिकॉज लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक जनरल लॉ फॉलो किया जाता है बाय द स्पीकर कि अगर किसी भी पार्टी का लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है 545 मान लो, तो 545 का अगर 10% दैट इज 55 MP, तो जिस भी पार्टी के पास 55 MPs होंगे उसी पार्टी का एक LOP बनेगा, उसी पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट किया जाएगा इन लोकसभा. बट अभी का अगर तुम लोकसभा देखोगे और लास्ट लोकसभा में देखोगे, सो नो पार्टी इन ऑपोजिशन हैज दिस थ्रेशोल्ड, किसी के पास तो है ही नहीं 55 MPs. इसीलिए कभी कभार प्रॉब्लम क्या आता था कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही नहीं,
इसीलिए उसको भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि बॉस अगर आपके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है दैट मींस आइडियली दैट वो 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, उस केस में आप जिस भी पार्टी का सबसे बड़ा मेजोरिटी हो, सबसे बड़ा नंबर हो ऑपोजिशन में, उसको आप इस कमिटी में पोजिशन दोगे। तो वही यहां पर देखा है, देखो क्या है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड इन केस देयर इज नो सच लीडर, इफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट देयर, That means we're 10% वाला threshold. The leader of the largest party in the opposition, जो भी largest party हो, that person will be qualified to become the part of this committee. ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये committee केवल यहां पे देखने को मिलता है, ये committee same CBI के case में भी यही committee है। तो जो भी CBI का head होता है वो इसी तरीके से appointment होता है। Similarly CVC के case में भी इसी तरीके का है, इसका तरीके का नहीं है, CVC में थोड़ा changed है, but CBI में तो exactly यही है। ठीक है, तो इस तरीके का अपॉइंटमेंट में आपको यहां पे रिफॉर्म किया गया। एंड देन द जजमेंट का सेकंड पार्ट कहता है, मतलब उसी पार्ट में, पार्ट वन में ही अपॉइंटमेंट लेके क्या कहता है कि राइडिंग ऑन द हॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इट कैन नॉट एक्ट इन एन अनफेयर मैनर आइदर, इंडिपेंडेंस मस्ट बी रिलेटेड फाइनली टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अ पर्सन हु इज वीक नीड बिफोर द पावर्स दैट बी cannot be appointed as an election commissioner, a person who is in the state of obligation or feels indebted to the one who has appointed him fails the nation and can have no place in the conduct of elections forming the very foundation of the democracy, right? An independent person cannot be biased. State of obligation, election commissioner जब तक ये सोचेगा कि बॉस आई हैव बीन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हेंस आई एम ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न अ फेवर टू हिम, तो जब तक ये स्टेट ऑफ ऑब्लिगेशन में दिस पर्सन विल लिव ही कैन नेवर कंडक्ट हिज ड्यूटी इन द मोस्ट ऑनेस्ट फेयर इंटीग्रिटी मैनर। यही कहा गया कि जब तक वो स्टेट ऑफ ऑब्लिगेशन में रहेगा, इट्स अ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, इफ समवन हैज डन यू समथिंग You attempt to give it back to that person who has helped you. इसीलिए कहा कि state of obligation or feels indebted, जब तक that election commissioner will feel indebted to the person who has appointed him, he can never act in the most, you know, durable manner. So this is what the Supreme Court has talked about in the part A of the judgment, which is related to the appointment. So this is the most important thing. Second, part two on the removal. So removal ka kya hai? Batate hain. Chief election commissioners ko kaise hataya ja sakta hai? The manner in which the judges of the Supreme Court can be removed. Theek hai? Koi problem nahi hai. And how the judges of Supreme Court are removed? They are removed by a special majority in both the houses. What is special majority? Special majority is the maximum of 250% of the total strength of the house, be 2/3 of the member present and voting. So this is a huge number. Bahut mushkil hai kisi judge ko hatana. Aaj tak kisi bhi judge of Supreme Court ko impeach nahi kiya gaya, remove nahi kiya gaya hai. Because ab samajh le, 50% of the total strength of the house, that means Lok Sabha mein aapko 274 majority chahiye. That is near to impossible. लेकिन क्या इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी है? नहीं। तो जो बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को कि बॉस इनको आप हटा दें तो ये हट जाएंगे। मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स डज नॉट हैव दैट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। ये भी एक प्रॉब्लम था, बहुत लोग गए सुप्रीम कोर्ट में कहे कि आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि उसको हटा सकते हैं, हम जिस तरीके से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाएंगे तो सेम चीज आप एक्सटेंड कर दे इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के लिए एक सेफगार्ड है। क्या सेफगार्ड है? कि जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट को रिकमेंड नहीं करता है तब तक गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं हटा सकती है। तो ये तो सेफगार्ड है ही। अब अगर मान लो एक एक्स्ट्रा सेफगार्ड दे दें कि पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेंगे, उसके बाद फिर उसको हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगा बोथ द हाउसेस में, सो दिस इज नॉट फेयर।
मतलब ये तो एक एक्सेप्शनल हो गया, मतलब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गया आप एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप हटा रहे हो कैसे, सिंपली एज दैट केस ऑफ जजेस को रिमूवल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जैसे हटाते हो। और इलेक्शन कमीशन कैसे हटते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन हैज टू फर्स्ट रिकमेंड टू द गवर्नमेंट एंड देन द गवर्नमेंट कैन रिमूव। बट इसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, एक और प्रोविजन डालना चाह रहे हो कि स्पेशल मेजोरिटी भी लगेगा। सो ये लॉजिकल लग रहा है क्या कि इलेक्शन कमीशन के पास दो दो सेफगार्ड्स होने चाहिए? तो इसलिए कहा कि ऑल्दो इट शुड बी, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जजमेंट में कहा गया कि we cannot equate, although chief election commissioners and let me tell you again one thing, ki chief election commissioner or election commissioners ye dono ka same salary hota hai, ye dono ka same power hota hai, aisa nahi ki election commissioner is a subsidiary or a junior partner of chief election commissioner, no, chief election commissioner is the first among the equal, jaise chief justice of india hote hai first among the equals, theek hai। to bas ek hi exception hai is case mein ki removal ke case mein aapko ye problem ho jata hai। अपॉइंटमेंट के केस में तो क्लियर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाए चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो जाए, कोई किसी का भी अपॉइंटमेंट करना है, सो दैट हैज टू बी डन बाय अ कमिटी। बट रिमूवल के केस में ये डिस्क्रिपेंसी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास थोड़ा सा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, एक्स्ट्रा सेफगार्ड है एज कंपेयर टू इलेक्शन कमिश्नर्स। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन दोनों को सेम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसको प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम भी आएगा बिकॉज इलेक्शन कमिश्नर के केस में उस केस में फिर दो सेफगार्ड्स आ जाएंगे जो कि अभी तक ना जजेस के पास है ना ही आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के पास है। सो दिस विल बी अ प्रॉब्लम, इसलिए इसको नहीं किया गया आपका। नाउ पार्ट थ्री जो सेक्रेटेरिएट की बात कर, इसमें कहा गया था इट आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंसिडर, मतलब इट्स नॉट अ ऑर्डर, इट्स जस्ट अ सजेशन, टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट फॉर द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इट्स एक्सपेंडिचर इज चार्ज्ड ऑन द consolidated fund of India so that the poll body can be truly independent. So this is the part 3, matlab ek capacity building ki baat karta hai ki if the election commission as a body has to function, it needs to have its own institutions and then only it can work. Isliye kaha gaya ki government aap please ek permanent secretariat provide kare so that election commission has all the manpower, because you are going to conduct the election in a democracy which has 140 crore of people, it's not easy, you need the body to have its own institutional capacity. So isliye permanent secretariat banaye and then uska jo expenditure hai it has to be charged to the CFI, theek hai, so that the poll body, to charge to the CFI ka matlab aap economy mein padhoge ye cheez aur polity mein bhi padhte ho ye cheez ki do tarike ke expenditure hote hain, एक तो एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट स्कीम्स पे खर्च करती है, तो वैसे एक्सपेंडिचर के लिए सरकार को हमेशा पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, पार्लियामेंट को वोट करना पड़ता है लोकसभा को। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं एमजी नरेगा पे 1000 करोड़ खर्च करूंगा, सरकार कर रही है, तो कैसे खर्च कर देगी? नहीं, लोकसभा पहले उस पर वोटिंग करेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी एक्सपेंडिचर को हम कह देते कि इट इज चार्ज ऑन द या चार्ज टू द सीएफआई, सो नाउ दीज एक्सपेंडिचर्स विल नॉट बी वोटेड इन द लोकसभा, they can only be discussed, they cannot be voted. Why? Because you do not want that किसी तरीके का पार लोकसभा इन बॉडीज के ऊपर इंफ्लुएंस करेगी। इसलिए इनको सिक्योर करने के लिए, इनको इंडिपेंडेंट करने के लिए, it has been said that expenditure is charged to the CFI. Then part 4, tenure of the ECs, तो आपको again, this is again the problem. आपको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह कहा गया है कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनका मैक्सिमम 65 इयर्स अपर एज है, या तो वो 6 साल काम करेंगे, मतलब इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड एट एज ऑफ 59 तब तो वो 6 साल रह सकता है, ही विल रिटायर एट, ही और शी विल रिटायर एट 65। बट द प्रॉब्लम इज इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड, 65 अपर लिमिट है, तो अगर कोई 59 ईयर्स का है उसको अपॉइंट किया जाए तो ही कैन बी देयर फॉर 6 इयर्स। बट अगर मान लो उसका एज है 63 तो उसके पास समय कितना बचा? 2 साल। तो वो 2 साल में क्या कर पाएगा? ही डज नॉट हैव एनी स्टेबिलिटी 2 साल में, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कोई रिफॉर्म्स ला ही नहीं पाएगा। एनी पर्सन, इफ दैट पर्सन नीड्स टू इंप्रूव समथिंग, डू सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स,
bring some reforms in the organization, that person needs to be given some time. But वो एक डेढ़ साल के लिए अपॉइंट करोगे तो वो क्या रिफॉर्म कर पाएगा? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से जब आप अपॉइंटमेंट करते हो, एक साल, दो साल, तीन साल, उससे दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू हैव एनी काइंड ऑफ बिग बैंग रिफॉर्म्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए कहा गया कि द फिलॉसफी बिहाइंड गिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग स्टिंट टू द अपॉइंटी टू द पोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज दैट इट वुड इनेबल द ऑफिसर टू हैव एनफ टाइम. He should have the time to gear himself to the needs of the office and to be able to assert his independence. An assured term would instill in the appointment and preparation. An assured term, ki haan, aap 6 saal ke liye rahoge hi rahoge. A short-lived stint may drain the much-needed desire. That person will not have the desire to do something. Isiliye kaha gaya ki that person should be given some stability of tenure. Although it's a suggestion, keval appointment wala judgment binding hai, theek hai. बाकी यहां पे हमने देखा परमानेंट सेक्रेटेरियट का भी जो सजेशन था, जजमेंट था, इट वाज अ रिकमेंडेशन. सिमिलरली ये भी एक रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ गिविंग सच पर्संस अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. इसलिए उसको यंग एज में अपॉइंट कर दो सो दैट ही हैज दैट एनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स विच ही वॉन्ट्स. सो दीज वर द फोर पार्ट्स ऑफ द जजमेंट: अपॉइंटमेंट, रिमूवल, परमानेंट सेक्रेटेरियट एंड फोर्थ द टेन्योर. Now, what are the significance of this judgment? It is a unanimous judgment. Unanimous judgment ka matlab 5-0. Matlab there was no minority or there was no dissent. No judge had that dissent. To jo final judgment aaya hai, wo unanimous hai. To unanimous hone ka matlab, it has a great weight. Jaise dekho Ayodhya case mein, jaise dekho LGBTQ judgment mein, wo sare unanimous judgment the. तो जब यूनानिमस जजमेंट आता है तो इट कैरीज इट्स ओन सिग्निफिकेंस. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पार्लियामेंट टू टर्न दैट जजमेंट. और ऐसा हुआ भी नहीं है आज तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसका यूनानिमस जजमेंट उसको आप कभी बदल दो, वो इम्पॉसिबल है. अगर ये जजमेंट 3-2 से आता, तीन लोग एग्री करते, दो लोग इसका डिसेंट में जाते हैं, तो हो सकता है कि पार्लियामेंट इनके सजेशंस को या पार्लियामेंट इस ऑर्डर को एक नया लॉ लाके ओवरटर्न कर सकती थी. But because it's a unanimous judgment, it is very difficult to do that now. Although the parliament can still do this. Parliament has all the power to do that. But the parliament will not think to do that because of the unanimous judgment. It will ensure the transparency of the appointment process, yes, and it has filled the constitutional vacuum. Constitutional vacuum ka matlab, jo article 324 ke andar ek parliament ko law lana tha, jiske through appointment ko regulate kiya jayega, wo law to kabhi aaya nahi. उस वैक्यूम को किसने फिल किया है? सुप्रीम कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा को ब्रीच कर दिया, बहुत दिन वेट किया. बट सुप्रीम कोर्ट हैज टू एंश्योर दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव. बेसिक स्ट्रक्चर सर्वाइव्स, और इसके सर्वाइव करने के लिए यह चीज आपका किया गया. देन व्हाट आर द इश्यूज विद द जजमेंट? इश्यूज वही है आपके पास कि गवर्नमेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप ठहर जाए, रुक जाओ. जुडिशियल रिस्ट्रेंट, सी दिस इज आवर डोमेन. We will bring a law. Don't worry. Why you are intervening? It is not your thing to do. Your thing is to just interpret the constitution. Your thing is not decide who will appoint the chief election commissioner and who will appoint the election commissioner. But Supreme Court ne kaha ki no, I can do that. Because Supreme Court is the only agency to ensure that our constitution lives. Because in India we have constitutional supremacy. No one is above the constitution. And who is there to implement or ensure that the constitution is there? It is the Supreme Court. The Supreme Court ko basic structure ko to bachana hai. It cannot ensure ki basic structure gets vitiated, gets violated. That's why Supreme Court has intervened. And second, Supreme Court has many times intervened. Jab bhi kahi bhi legislative vacuum hai, uske upar koi law nahi hai. Jaise Vishakha guidelines ke case mein, to curb the sexual harassment at the workplace, us samay, सेक्सुअल हेरासमेंट इन द वर्कप्लेस को रोकने के लिए देयर वाज नो लॉ. दैट मींस देयर वाज अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम. इसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी एक लॉ लाया था. ऑल्दो उसके बाद पार्लियामेंट एक अलग से लॉ ला सकती है, बट कभी भी अगर लेजिस्लेटिव वैक्यूम होता है तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट विल जस्ट सिट एट द फेंस. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज टू एंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, एंड फॉर दैट इट हैज द राइट टू डू दैट. बिकॉज पार्लियामेंट क्या कर रही थी 75 साल से, क्यों नहीं लाया लॉ? उस समय तो सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू नहीं किया, बट सुप्रीम कोर्ट बहुत साल वेट किया. बट बॉस, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी विल हैव टू डू, समवन हैज टू टेक दैट पिंच एंड डू दैट.
राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को जस्टिफाई किया कि वी कैन डू दिस. सो लेट अस ट्राई टू कंक्लूड नाउ. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. आपको पता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वेरी बिग टॉपिक, आपको इसको मेंस के लिए पढ़ना होता है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आपके पास साथ ही साथ यू नो डिफेक्शंस, मनी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं. इसका एक पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक ठीक किया है, सो दैट नाउ द पर्सन्स कैन ट्रस्ट दोज इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज नाउ द ट्रांसपेरेंट एक तरीके से अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है. बट लेट मी टेल यू, डिस्पाइट ऑल द थिंग्स, एक ही चीज है जो इस चीज को ठीक कर सकती है, दैट इज हु इज हेडिंग दोज इंस्टीट्यूशंस. The requirement of statesmanship, the requirement of having complete integrity, complete devotion, complete dedication, complete honesty, probity. जब तक ये नहीं है, है ना, अम्बेडकर ने कहा था कि does not depend what kind of government you have, what kind of constitution you have. अम्बेडकर ने कहा था एक समय, it is not important what kind of, which type of constitution you have. What kind of government you have, it does not matter whether you have a parliamentary system or a presidential system, it does not matter. It only matters who is running the constitution, who is running the government. So similarly, yahan bhi ho jata hai. The need is to have that kind of statesmanship, which we have saw in the time of Tian Session. The person who has completely revolutionized the Election Commission of India. So the Supreme Court in one of his judgments said that we need Chief Election Commissioner who can't be bulldozed. TN session happens once in a while, right? So despite all the reforms, there's only one thing, one solution is that we need to have that kind of statesmanship. We need to have that courage to bite the bullet, right? So hence, I hope that aapko sare aspects samajh mein aaye, prelims aur mains ke part se ye aapko relevant ho jata hai is saal exam mein. And if you like this video, please share with everyone, please like the channel and please subscribe to our channel also. Thank you. Jai Hind. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.